डॉक्टर भटनागर, डॉक्टर फोन फॉर यू, डॉक्टर मेहता इज ऑनलाइन। आशो। हेलो आकाश, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक डेड बॉडी आई है, जरा मेरे आने तक तुम पर्सनली इसका ध्यान रखना। प्रकाश, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो कोई ट्रांसप्लांट सिर्फ मैं करूंगा। Nobody else should touch it, okay? No problem, मैं संभालूंगा। Bye. मैंने इसकी हार्ट बीट देखी है। अरे शक की कोई गुंजाइश नहीं है, तू ये देखना अपनी आंखों से देख। लुक एट दिस, लुक। चलो पाटिल जल्दी करो। आशु, वो आदमी जिंदा है, मैंने उसे सांस लेते हुए देखा। व्हाट रबिश। आशु, उसे मत ले जाओ प्लीज। अच्छा तू रास्ता छोड़ प्लीज यार आकाश, मेरी बात का यकीन कर प्लीज। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझसे कुछ कहने की कोशिश की। लाश ने तेरा हाथ पकड़ा, पागल हो गए तू? लाश ने नहीं आशु, माया ने बात करने की कोशिश की थी मुझसे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो आप लोग आगे चलो। पाटिल, आकाश, स्टॉप इट। आकाश क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू अप टू? रुक जा प्लीज, 10 मिनट के लिए मुझे उस आदमी के साथ छोड़ दो प्लीज। माया उसके जरिए मुझसे पहुंचना चाहती है। आकाश तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल होते जा रहे हो। आशु, आकाश क्या कर रहे हो? प्लीज तुम निकलो, निकलो यहां से, इधर आओ, इधर आओ। आशु,
आकाश बचपने की भी हद होती है। इनफ इज इनफ, चलो कम ऑन। वो माया की आवाज थी, मैं धोखा नहीं खा सकता, प्लीज 10 मिनट दे दो। हाँ ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। आकाश, आकाश कहाँ लेके जा रहा है इसको? नहीं आकाश, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट योर सेकंड। आकाश डोंट डू दैट। आकाश माया मुझसे बात करना चाहती है। अरे यू आर जस्ट मी, शट अप, लीव मी, लीव मी, छोड़ दो मुझे। ले जाओ ये काम नहीं समझता तुम लोग। जाइए डॉक्टर साहब, अब आप जा सकते हैं। मैडम ने आपकी जमानत दे दी है, सुना नहीं क्या? चलिए उठिए वहां से, चलिए। सॉरी मैम, इनकी वजह से हमने आपको इतनी तकलीफ दी। थैंक यू इंस्पेक्टर। इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी, और वो भी एक लाश के पीछे? अब तो तुम ये नहीं कहोगे ना कि लाश तुमसे बात कर रही थी? नहीं, थैंक गॉड। उस लाश के जरिए माया बात कर रही थी मुझसे। पक्की? मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, मानो या ना मानो, लेकिन उस लाश के जरिए माया मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। Stop it! तानिया, please listen to me and believe me, ये सब मेरे साथ हो रहा है। वो आदमी जिसे तुम लोग लाश समझते हो, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं सिर्फ 10 मिनट मांग रहा था उससे बात करने के लिए, और तुम लोग मुझे पागल समझते हो? Okay, I don't believe it. तानिया, मेरी बात पर यकीन करो। आकाश जो मर चुके हैं उनके साथ मरा नहीं जा सकता, और तुम्हें जिंदा रहने के लिए इस बात को मानना होगा कि माया मर चुकी है। समझो उस बात को, और वो कभी वापस नहीं आएगी। पिछले 3 महीनों से तुम्हारी बकवास सुन रही हूं, संभालो अपने आप को। जिस तरह विनोद के जाने के बाद तुमने मेरा हाथ पकड़कर जिंदगी से फिर से रिश्ता जोड़ दिया, कुछ अपने साथ भी ऐसा ही करो। गला घोट दो उन चीजों का जिनकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ। एक आखिरी बात मान लो कि मेरे बहुत कर्ज है ना तुम पर, वो सारे कर्ज लौटा दो विद इंटरेस्ट। अपना रिश्ता हर उस चीज से तोड़ दो जो माया से जुड़ी हुई है। छोड़ दो अपना ये घर, ये शहर, तुम मुझसे मिलना भी छोड़ दो, क्योंकि मुझसे भी माया की यादें जुड़ी हुई है ना सबसे ज्यादा। गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, कोशिश तो करो। मैंने भी कोशिश की ना, और अभी भी कर रही हूं। ट्राई।